रांची की लड़की एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो भाई आप लोगों का वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सरप्राइज भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं रिसीव करने वाली हूँ अपना पासपोर्ट। आई एम सो हैप्पी गाइस, मैंने इसके लिए पूरा एक मंथ इंतज़ार किया, मतलब पूरा एक महीना इंतज़ार किया अपने पासपोर्ट के लिए, और फाइनली आज मुझे मेरा पासपोर्ट मिलने वाला है। और आई एम सो हैप्पी गाइस, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे मेरा पासपोर्ट मिलने वाला है। और इसके लिए भाई मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया। भाई बहुत से लोगों ने बोला था कि आपके पास मैसेज आ जाएगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे, बट भाई पूरा एक मंथ होने वाला है और मेरे पास अभी तक मैसेज नहीं आया कि आपका पासपोर्ट आ गया है पासपोर्ट ऑफिस में। क्योंकि जो मेरा वो टोकन था उस पर डेट लिखी हुई थी कि आप 10 डेज के बाद जाकर ले सकती है, बट पूरा 1 मंथ होने वाला है। बस मैं दुआ करती हूँ कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए सही सलामत। तो मैं बहुत खुश हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, आप लोगों को आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। और ये जो व्लॉग है आप लोगों के लिए सरप्राइज व्लॉग है, और आगे आने वाले भी आप लोगों के लिए सरप्राइज व्लॉग होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट इट्स सरप्राइज, जल्दी से रिवील करेंगे सरप्राइज को। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा भाई मुझे फ्लू भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है और मेरी आइस में पेन भी हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई हिम्मत मुर्दा मदद खुदा, तो भाई हम जा रहे हैं जैसी भी तबीयत हो, लेकिन हमें जाना है, क्योंकि जब खुशी होती है ना तो खुशी में इंतजार नहीं किया जाता। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली और रिसीव करूंगी मैं वहां पर जाकर। तो चलिए यहीं से अपना न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करो, कॉमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो मेरे साथ और इंजॉय करते हैं हम लोग पूरा ये दिन। आगरा में कितना ज्यादा रश है ये चेक कर सकते हो आप लोग। मैं भी अभी यहीं से गई हूँ होकर। आधा पराठा। तो हमारा जूस आ चुका है, इनका भी आ चुका है। अकेले मतलब सबर तो है ही नहीं, पीना स्टार्ट फौरन से। हमारा आया है अभी हाथ में, मैंने पकड़ा है अभी हाथ में सिर्फ पकड़ा और ये पीना स्टार्ट भी हो गया। देख रहे हैं आप लोग जरा कैसा है, टेस्ट कैसा है, मैंगो और उसका टेस्ट ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है गाइस। तो हमारा भी आ चुका है, हम भी पीना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो है ना जूस वगैरह ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते, चलिए बाइक राइड के लिए। गाइस मैंने सोचा जब मैं घूमने आई हूँ तो आप लोगों को भी बहुत सारी जगह घुमा दूँ, क्योंकि लोग कहते हैं भाई कराची की सड़कें ऐसी हैं, कराची के व्यूज़ ऐसे हैं। तो भाई कराची सबसे बेस्ट है, क्योंकि कराची तो कराची है ब्रो, कराची के जैसा कोई सिटी हो ही नहीं सकता। बट यार कराची कराची है, जो भी कह लो कराची कराची है। तो मैंने सोचा मैं आई हूँ तो आप लोगों को भी विजिट कराऊँ, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दूँ। लेकिन मैंने थोड़े बहुत शूट्स किए हैं, आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर। मेरा अभी मैकडोनल्ड्स, ठीक है अभी है, इतना सारा दर्श हम बर्दाश्त करके आए हैं। ये DHM यहाँ कौन सी खजूर है, ये कौन सी खजूर है, ये ईरानी खजूर है, ये ईरानी खजूर है जो मतलब लगी रहती है, तोड़ने नहीं देते, तोड़ने नहीं देते, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कराची का ये DHM है, ठीक है ये सारा, और कितना प्यारा व्यू लग रहा है। गाइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो है ना गोल मस्जिद है, जो सामने आपको ये नजर आ रही है ना, ये इसकी गोल मस्जिद है, गोल मस्जिद है पाकिस्तान में, जिसके अंदर ना बगैर मतलब कोई पिलर नहीं है, विदाउट एनी पिलर ये खड़ी हुई है। माशाल्लाह आप लोग
बंद पड़ी बंद है, गेट निकाल दो। लेकिन आप वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर खाने काबा के इमाम ने नमाज पढ़ाई। कराची में ना सिर्फ करंगी का जो मतलब रोड है, करंगी का जो इलाका है ना, बस वो थोड़ा सा गंदा शंदा है। बाकी कराची का एक एक पार्ट, एक एक मतलब जो जो क्या कहते हैं उसको, ये तो सही है इलाका। हाँ मतलब बाकी जितने भी इलाके सब एकदम वेल एंड गुड है, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस जैसा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो ये जो है ना क्या है इसको कहते हैं, कौन सी चौक, पाकिस्तान चौक, ये पाकिस्तान चौक है। अभी 14 अगस्त आए थे, डेकोरेट किया जाएगा और अभी थोड़ा सा डेकोरेट है, ग्रीन और वाइट कलर देख सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है और आप लोग ट्रैफिक और ये पुलिस वाले खामा खाई चेकिंग कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम हो चुका है फाइनली। मुझे मेरा पासपोर्ट मिल चुका है, ठीक है आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पासपोर्ट आ चुका है, हुर्रे। सो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को पता चलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब जल्द ही पता लग जाएगा आप लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ। इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।